justice for Malawi, 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 justice for जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तो सुन रहे झोंक टीवी वसीब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन नाजरीन इतने मैं मौजूद हूँ मदीना तो लौलिया मुल्तान शरीफ नवा शहर चौक के उत्ते जिथे कि ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब की क्यादत अज भुख हड़ताली कैंप लाया गया जानते हैं कि यह कैंप का मकसद क्या है और क्या आदन आओ उन्होंने गुफ्तगू भी करे और उन्होंने कुछ बे भी रहनुमा मौजूद हैं सरैकी वसेब तो कराची तो काफ़ी सारे रहनुमा मौजूद हैं उन्होंने गुफ्तगू करे जी खाई साहब आज का भुख हड़ताली कैंप का मकसद क्या है और अगर तुहाडे मुतालबात पूरे नहीं थींदे तो अगला लायामल क्या होसी जी अज का यह भुख हड़ताली कैंप का मकसद दू बच्चन जैनफर मसीह और पूजा कुमारी उन्होंने मर्डर गैंगरेप कत्ल और जिनाह किया गया और उन्हें को मर्डर किया गया जबकि एक बच्ची कसूर दी जैनब बीबी और सियालकोट उन्होंने खातून बच्ची नाल खातून नाल ज्यादती थी है तो उन्हें मुलजम जरा त्रै महीने ब्लाइंड मर्डर या रेप पकड़ी तो सजा थी गन जबकि जैनफर मसीह और पूजा कुमारी की बरसी गुजर गई है हूँ तक मुलजम गिरफ्तार नहीं था असा याद हूँ कि भाई जरा तासब की बुनियाद के उत्ते इंसाफ ना मिलन इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जो क्रिमिनल्स उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की वे और सोसाइटी जरा इन्हें मजरूम साथ रहे खाई साहब अस हमेशा तो बिठा है कि मुसलमान नहीं बल्कि अकलियतान की जड़न भी कोई गाल थी है अकलियतों को कितना भी कोई परेशानी थी है तो ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब साको मैदान पेश पेश नजर आए तो आया क्या यह जो मुतालबा है अकलीयत के हवाले के अकलीयतों देटियों के ज्यादा बेटी बेटी होंगी हो कहीं मुसलमान की होवे हिंदू की होवे ईसाई की होवे बेटी सारे की सांझी होती है अगर इतना इंसाफ ना दिता गया तो अगला लयामल क्या हो सी देखो सही असा ऐसा पाकिस्तान चाहूँ जिथा मस्जिद इमाम बारगाह गिरजा गुरुद्वारा मंदिर अकलीतें जान माल को तहफ़ हासिल हुए और मेरा तलुक सूफी खानदान ना है और ख्वाजा फरीद ना है और सबको बुजुर्ग भी इधर से देखे इंसानियत नाल प्यार करो और असा हमेशा मजलूमें की साथ दीते और देंदे रहे और सैकिस्तान कौमी इतिहाद का ये मंशहूर है कि मुल्क मजहब और मसलक के नाते डिस्क्रिमिनेशन और जो तशद्दुद है जो ना इंसाफी हैं उनके खिलाफ अस आवाज़ चाहूँ और असा अकलीत ना लूँ अगर इनको इंसाफ ना मिला तो असा इस्लामाबाद हंगा स्ट्राइक कर सूँ हाँ खाई साहब एक तो मदीने तो लौलिया मुल्तान शरीफ जनाब का आमना घट होंगे यही मौके के उत्ते एक भी मैं सवाल करे सा कि एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की वही है सरायकी हवाले के सरायकी नाँ के उत्ते जबकि उन नुमाइंदगी टोटल जनूबी पंजाब के लोगों की उनके हवाले नाल आप क्या फरमाए सर देखो मैं उनका होस्ट कोई नहीं असा अपना एजेंडा दसूँ कि भाई असा सियासी नुकता नजर के जो लोग हैं असा नेक्स्ट वीक तक असा अनाउंस करे सूँ और जरा आल पार्टी सरकी कॉन्फ्रेंस करे सूँ जरा आने वाले इंतखाबात और मौजूदा जरे तब्दील जरे थे पे सियासी हालात इन उत्ते भी सरक क्या मौकफ है और क्या एजेंडा है उनको असा इंशाल्लाह ताला उनका अनाउंसमेंट कर जी खाई साहब सा गुफ्तगू कर आबिद जान मसीह साहब सा मौजूद हैं इन्होंने गाल करे सूँ कि अकलीयत की गाल हो धी धी आँदी है मैं वल आखसा कि धी मुसलमान की होहूदी की हो हिंदू की होती हो बेटियाँ सारे की सांझी होंगे ये जरा ये मतलब तमाम जरा स्ट्राइक किया गया हकीकतन ये बहुत बड़ी एक ज्यादती है तो क्या अक्सो ख्वाजा साहब ने हमेशा तो अकलीयतों की आवाज़ को बुलंद किया है तो क्या अक्सो जी मैं ये आखना चाहना कि ख्वाजा साहब का ये मैं समझना कि बहुत बड़ी अजमत है कि उन्होंने सोचा कि इंसानों के हकूक की गल की जाए ना कि किसी मजहब के पैरोकार हकूक की गल की जाए तो अज का यह जड़ा एहतजाज है ये इंतहाई इस गल का सबूत है कि अजे तक इस दुनिया के ऐसे लोग ऐसी शख्सियात मौजूद ने जड़ियाँ हमेशा इंसानों की भलाई का सोचदियाँ ने और उन्होंने काम कर दिया ने जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाजरीन सर कुछ बे भी रहनुमा मौजूद हैं उन्होंने भी गुफ्तगू करे सो सर हाजी जमील वलियानी साहब आप माशाल्लाह कराची तो मदीना तो लौलिया मुल्तान शरीफ का सफ़र करके आए और क्या अक्स हैं ये मौके पर जी बिल्कुल असा जरा एहतजाज भुख हड़ताली कैंप महीने की हिमायत करें और ख्वाजा साहब को सुरख सलाम पेश करें और अल्लाह ताला ने
अपने कुरान मजीद फुरकान ने अभी बिच भी आखे कि मेरे इंसान नाल मोहब्बत करो, उन्हें ही नहीं आख्या कि कहीं मुसलमान नाल इंसानियत नाल मोहब्बत करो। और ख्वाजा साहब सही फरमा गए कि असा औलिया करम सूफिया करम की औलादे से असा इंसानियत नाल मोहब्बत करें से, और हमेशा औलिया करम सूफिया करम ने यो दर्श दिते कि इंसानियत नाल खिदमत इंसानियत नाल मोहब्बत करो। और मैं मुतालबा करे सा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को कि फिल फोर बाकिया वास्ते अगर अदालत खोल सकते हैं तो ही ते भी सो मोटो एक्शन घिनो और फिल फोर इंसाफ दियो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। था दिलों को फतेह करने मोहब्बत करनी है, इंसानियत नाल प्यार करने, और पाकिस्तान एक गुलदस्ता है सारे का, मुसलमान का भी है, अकलीत का भी है, और उन्हें इबादगाह का तहफ़ हो और पुरअमन पाकिस्तान हो, और रियासत के अंदर कहीं को बंदूक या तशद्दुद की बुनियाद के उत्ते कहीं के उत्ते अपना जबर नाफिज करने की कोशिश ना करे, और हर बंदे को पुरअमन सियासी हकूक हो, और इलेक्शन असलाहत में भी मिनोरिटीज़ के जो तहफात इलेक्शन के मामला वो भी दूर होने चाहिए कि भी उन्हें कोई इम्तियाजी सलूक किया वे। वो वक्त ही आवे कि इम्तियाजी सलूक ना थी कि मसावी हकूक जरूर मिल सकें, असा तो मदद कर सू। और इंशाल्लाह ताला असा एक ये करारदाद है कि जैनफर मसीह जिसका ताल्लुक रहीम यार खान आए 12 साल की क्रिश्चियन लड़की उनकी बरसी थी गए, उन्हें गैंग रेप के बाद मर्डर किया गया, और सखर दी पूजा कुमारी उन्हें भी मर्डर किया गया, और पाकिस्तान मजहब और मसलक के नाँ के उत्ते जितना टारगेट किलिंग थी है असा उनकी भी शदीद मुलम्मत कर दूँ और हर किस्म की दहशतगर्दी मुलम्मत कर दूँ, और इन्हें कातलें को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया वे, असा करादा के मुलम्मत पेश कर दूँ। तो मंजूर है हाथ खड़ा सारे, हाथ खड़ा करो सारे, और असा इंशाल्लाह ताला हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद आर्मी जिंदाबाद। असा पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहूँ, और पार्लियामेंट की मजबूती ही पाकिस्तान की मजबूती है। सारी पाकिस्तानी कौम मिल के पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बाख्तियार करें और सोसाइटी को इकट्ठा करने की जरूरत है, और सोसाइटी मिलकर कोई कला इदारा जरा मुल्क को नहीं संभाल सकता ना कोई ताकत कर सकती है, सोसाइटी मिलकर ही पाकिस्तान को बचे सी, और पार्लियामेंट जैसे बाख्तियार थी वैसी सारे मसाइल हल थी वैसे। एक है कि भाई असा जरा हम ख्याल जरा सारा सरेकी जमात सरेकिस्तान कौमी इतिहाद मुल्क हर किस्म के तशद्दुद की असा मुखालफत कर दूँ, और असा जबान या मजहब की बुनियाद पर जितना मजलूम है उनकी आवाज़ बुलंद करेंदे रहे बस। तो बहुत जल्द जरा हम ख्याल सारा सरेकी जमात जरा इलेक्शन और पार्लियामेंट से यकीन रखे दिन सियासी नुमाइंदा जमात हैं उन्हें मुश्तमिल असा जरा अपना एक आल पार्टीज सरेकी कॉन्फ्रेंस कर सूँ जिंदा मुश्तरक उसी कि भी एंदा इलेक्शन सारा क्या मौके फोन चाहिए भी किमें कैंडिडेट और इंतखाबात हिस्सा करो, ये असा जल्द ऐलान कर सूँ। खुश थी फरीदा शाद वल, दुखने को ना कर याद वल, झोंका थी सिन आबाद वल, ए नए नवासी हक बड़े ख्वाजा गुलाम फिक्र सही तोरे बार बोल तो इस्तकबाल करो और सर अपने ख्याल अदा कर सन। 12 साल क्रिश्चियन लड़की जैनफर मसीह जरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान आले, और एक बच्ची पूजा कुमारी जरा ताल्लुक सखर नाले, और अफसोस लाग गाल यह कि सखर वाकई वालिदैन के सामने गैंग रेप था और वीडियो बनाए गए और बदनामे जमाना ए जरा केसेस असा याद हूँ कि भाई पाकिस्तान को बड़े हुए असा इंदी जरा 75 साल थी चुके, और जब तक ये निज़ाम को चेंज न करेसूँ मजलूम चाहे जबान की बुनियाद हो या मजहब की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर यह एक मसला है, और मजहबी अकलीत नारवा सलूक और ज्यादा इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि कसूर की एक बच्ची नाल वाकया थे उन ज्यादती थी जैनब उन 1004 बंदे का डीएनए टेस्ट करते ब्लाइंड मर्डर हा,
पूरे रियासत के आवाम खड़े थी गए, पाकिस्तान के रियासत के तमाम इदारे खड़े थी गए और ब्लाइंड मर्डर उन्हें कातलों को पकड़ लिया गया। और शालकोट एक मुस्लिम खातून ने ज्यादती थी, उन्हें केस बंदे पकड़ लिए गए। जबकि यह वाकया जैनफर मसीह और पूजा कुमारी नाल था, मजहबी तासब की बुनियाद के उत्ते इन्हें बच्चे को ना इंसाफ ना मिलन, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम है। मेरा ताल्लुक सूफी घराने नाल है, ख्वाजा फरीद नाल है और ख्वाजा से फरमाया असा सो बदमाश कलंदर है, कभी मस्जिद है कभी मंदिर है। और सूफिया ने इंसानियत नाल मोहब्बत अदार सीते और ट्रेडिशन सारा इंसानियत नाल मोहब्बत अदार सेंदे। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग मुल्क है। जरा पाकिस्तान बोरमन क्रिश्चन हिंदू सिख रहा पाकिस्तानी शहरीयत, उन्होंने नारवा सलूक क्यों किया वाला पे, उन्होंने क्यों ज्यादती की वही पे और क्यों इतना मजहब और मसलक के नाते टारगेट के लिए थी है। जर वे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जितना ये निशाना बनाए गए मजहबी अकलीतें को, जो हिंदू सिख और क्रिश्चियन लोगों को मजहब और मसलक के नाते टारगेट किलिंग की असा रेगिस्तान कौमी इतिहाद ने मुजाहरे किए। असा ऐसा पाकिस्तान चाहूँ जिता मस्जिद इमाम बारगाह गिरजा गुरुद्वारा मंदिर अकलीतें जान माल को तहफुज हासिल होए और पाकिस्तान यकसा मसावी कानून हो और कहीं दी इबादगाह को बंदूक या तशद्दुद की बुनियाद पे कहीं दे जबरी कोई शह मुसल्लत न की वजह और पुरअमन पाकिस्तान होए। ये सिस्टम मैं तो कोई गल दसा, शुरू शुरू जले तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया उन्हें वनते बौद्ध इबादगाहें को निशाना बनाया और बौद्ध अकलियत वनते मुसलमान रहनुमाई को मिले और उन्हें को आखने के भी सारे जरे न्यूट्रल मुसलमान हैं या पुरमन लोग हैं, तो उन्हें आखे जो भाई ये तो गैर मुस्लिम का मसला है। वाल उन्हें को हूँ वाले पता लगा कि एशिया का सब तो पुराना मिलाद का जलूस जरे बंद किया तालिबान ने और जरे मजार से आजाद पाबंदी लगी। वाल उन्हें को पता लगा कि असा गलत फैसला किते, अगर असा उन्हें बहुत ही बात गई होते इन्हें को गैर कानूनी इकदाम न करनी हुआ तो आज ये वाकया न थी वेना। और शुरू जरे जिन्हें गिरजे और गुरुद्वारे मंदिर और इबादगाहें को निशाना किते दहशतगर्दी निशाना बनाए तो मुस्लिम सोसाइटी खामोश रह गई है। हूँ सोच नहीं था, हूँ सोच नहीं था जवाब दो जर वे उन्हें निशाना बनाया, हूँ सोच नहीं था मसाजिद और इमाम बारगाहें को निशाना बनाया। तुसा देखो कि पाकिस्तान दाता दरबार बाबा फरीद गंज शकर सखी सरवर अब्दुल्ला शाह गाजी और कितना मुस्लिम इबादगाहें को निशाना बनाए गए और 40,000 शिया मुसलमानों को था कत्ल किया गया। तो साकू क्या पाकिस्तान वो ट्रायल तो नहीं चला पाया कि भाई इतना हिंदू सिख क्रिश्चियन कत्ल करते और उन्हें दो जबरी दहशतगर्दी राज करते, क्या इतना पाकिस्तान को इंतहा पसंद रियासत बनाने का प्रोग्राम है? तो मुस्लिम सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। असा ये मुतालबा करें पाकिस्तान की पार्लीमेंट, पार्लीमेंट जरा एक मुकदस इदारा है, असा मुखातिब हूँ पाकिस्तान की पार्लीमेंट को कि स्पीकर कौमी असम्बली और पार्लीमेंट इन्हें अकलीती बच्चे का नोटिस की दिल और जैनफर मसीह और पूजा कुमारी जिन्हें को गैंग रेप के बाद मर्डर किया गया उन्हें दी बरसी थी गई है, हूँ तक उन्हें दे कातिल गिरफ्तार नहीं था। और जो लोग आते हैं मैं समझता कि आइन मुकदम है या शिदत पसंद सोच, तो आइन मुकदम है और साकू शिदत पसंद सोच को पाकिस्तान को बहु खतरा थे और जेरे क्रिमिनल दल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो
मैं कोई मुतालबा नहीं कहता सरेआम फांसी का, मैं पाकिस्तान के आयन और कानून के तहत ये मुतालबा कह भी पाकिस्तानी कानून के तहत जो फांसी पर दियो और उन्हें कोई सख्त तो सख्त सजा दी मिले और इंसाफ मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान एक पुरमन रियासत बढ़ सके और आलमी सतह से जरा सा पैगाम मिलना पे कि तालिबान का चेहरा दिखाया मिलना पे जबकि इतों के हीरोज तो सूफी हीरोज हैं और उन्हें इंसानियत की खिदमत की है। मैं तो को बाबा फरीद खान शक्कर का एक वाक्य पेश करा, मेरा ताल्लुक चिश्ती सूफे नाल है और उन्होंने आस्थाने से लंगर तकसीम थी ना और खाना लगता आप जो आए कि दू बंदे कट्ठे खाना खाते हल उन्हें दिखा जो भाई सारे बंदे कट्ठे खाना खाते बैठे लेकिन एक बंदा कट्ठा अलग खाना खाता बैठे। आपने पूछा कला क्यों खाना खाता बैठे, उन्हें आखिर गैर मुस्लिम इन्हें माहौल से तैयार को ली। बाबा साहब चल के गए उन्हें आखिर ने मियाँ इजाज़त दे तो मैं तेरे खाना खावा और बाबा साहब ने उन्हें खाना खाधा और असल शायद इंसानियत नाल मोहब्बत है और सारे निसाब विचों तसव्वुफ कर दिता गए साकू जरूरत है कि सारे हीरो सूफी हीरोज हैं और जितना भी मजलूम तबका आते हैं उन्हें को इंसाफ मिलना चाहिए। सराय की वसेब दे लोगों नाल जबान या धरती की बुनियाद इस्तेसाल था असा मजलूम उस समझ दूँ असा ये समझ दूँ कि पाकिस्तान जरा मजहबी अकलीत है उन्हें को इंसाफ मिलना चाहिए और खसूसन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की पार्लीमेंट जैनफर मसीह और पूजा कुमारी को दे कातले को गिरफ्तार करें और इंसाफ निभावे और मिनार्टी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जस्टिस फॉर मिनार्टीज़ और ऐसा मिनार्टीज ना लूँ और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन और कानून की हुमले बालादस्ती थी सी जेरे कमजोर को इंसाफ मिल सी लिहाजा पाकिस्तानी सोसाइटी मजबूत पाकिस्तान बनाने से इतना रहने वाले तमाम लोगों को हक और इंसाफ दिवावन असा थोड़े ना लूँ चांद साहब जो ना इंसाफी हैं असा ना इंसाफी के खिलाफ भरपूर आवाज़ चाहूँ अगर सारी गाल ना सुनी गई तो असा इस्लामाबाद हंगा स्ट्राइक करेसूँ इन्हें हक अगर पूजा कुमारी और जैनफर मसीह को इंसाफ ना मिला तो अगला हंगा स्ट्राइक असा इस्लामाबाद करे मेरा आप सैयद बेंजी रसल शाह साहब भरपूर ताने इस्तकबाल करो ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब पे मुनक्किद थे। मैं इंतहाई शुक्र गुजार हाँ जेडे दोस्त सारे तशरीफ गिन हैं खसूसन सरदार जमील खान वलियाणी साहब और उनकी टीम जवेद चन्नण साहब बाकी हाजी अहमद नवाज सोमरो साहब माहर मुलाजिम साहब बाकी सारे दोस्त फराज बलोच साहब अज इंदा मकसद साडा जिहड़ा अज एक कट्ठ थी कि इत्थे कट्ठे थी कि भुख हड़ताल दा ये है कि पाकिस्तान दा जिहड़ा इमेज है दुनिया में जिहड़ा दहशतगर्दी का चेहरा दिखाया जाता पे एक जिहड़ा इत्थे लाकानूनीयत का चेहरा दिखाया जाता पे वो अच्छा चेहरा पाकिस्तान दा पेश करना मकसद है। असां चाहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिहड़ा तमाम मज़ाहिब दा तमाम कौमां दा गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते को कायम रखना चाहिए है उन्ना लोगों को असा पुरजोर मुजम्मत करें उन्होंने जो पाकिस्तान के चेहरे को मस करके पेश करना चाहते हैं पाकिस्तान के चेहरे को गंदा करके पेश करना चाहते हैं सारा पाकिस्तान सारे मुसलमान सारे दूजे भाई मैं तो खैर इन्हों को अकलीत आखना भी पसंद नहीं करेंगे उतने ही इन्हों के हकूक हैं उतने ही इन्होंने राइट्स हैं जितने आम मुसलमान दिन या कहीं बैद हैं ये लोग इन्हों को अकलीत या आदन मैं बिल्कुल ही गाल के खिलाफ और मैं आखन वास्ते तैयार ही कह नहीं मैं चाहता कि जेड़ा इंसाफ जेड़ा हक मैदुल हसन शाह को मैदुल हसन शाह के बेटे को बच्चों को वो हक चांद मसीह साहब के बच्चों को और इन्हों को होना चाहिए और वो होना चाहिए ही इन्हों का हक है ये पाकिस्तान के उतने ही काबिल कदर शहरी हैं जितना कोई दिया है। असा ये चाहते हैं कि जैनफर मसीह और पूजा कुमारी इो जो भी जो चांद मसीह साहब फरमेंदे बयान आप चांद साहब कि ये एक वाक्य नहीं मैं इंतहाई गाल काबिल फखर गाल है कि ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने हमेशा
मंदिर गिरजा इमाम बारगाह मस्जिद हर हर वो शायद गाल की है जो भी मुकदस मकाम मुख्तलिफ मजाहब के इन्होंने हमेशा उनके वास्ते आवाज चाहिए उनके वास्ते एहतजाज किए उनके वास्ते परचम बुलंद किए। मैं दुआ गो भी हाँ इन्होंने वास्ते कि अल्लाह इन्हों की जिंदगी करे इन्हों को अल्लाह इन्हों की हिफाजत फरमावे ये वो नेक काम करें पे जोड़ा कोई बिया नहीं करेंदा बिया इन नाल भी ये आबिद चांद साहब अगर साडा सूबा होवे तो साढ़े वास्ते बड़े आसानियां थी सन इंसाफ मंगण वास्ते क्योंकि तमाम वो लोग तमाम वो इदारे वो कायम हो सन इंसाफ गिनण वास्ते उन्हां कोल वंजण वास्ते आसानी थी सी साकू लाहौर और इस्लामाबाद के चक्कर न कटने पे सन इन वास्ते मैं सब को गुजारिश करें ना कि सब मिल के ये भी कोशिश करो कि इन्हां को इंसाफ मिले हर बंदे को हक मिले क्योंकि जदन जनाबे रसूल खुदा और उन्होंने नायब ने कहीं भी बंदे को गवर्नर मुकर करके भेजा तो उन्होंने को फरमाया कि कुछ लोग हो सन जो तेरे दीनी भाई हो सन और कुछ हो सन जो इंसानी भाई हो सन तो तू कोई फर्क न करे उन्होंने वास्ते इंसानी भाई की हैसियत वो सलूक उन्होंने करें जोड़े अपने दीनी भाइयों नाल करें लिहाजा असा पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि अगर पूजा कुमारी और जैन फरमसी और इन बाकी भी जोड़े बच्चे हैं अना उन्होंने को इंसाफ ना मिला तो अस अपने एहतजाज को कंटिन्यू करे सूँ असा ये अपना एहतजाज जारी रख सूँ अस खत्म न करे सूँ और यकीन देना मैं आप चांद साहब को कि असा वो लोग हैं जोड़े हर हाल में तो इंसाफ वास्ते मदद वास्ते जबरी जोड़े मजहब तब्दील करने वास्ते किया जाता पे साकू जोड़े प्लेटफॉर्म से तुसा आखसो असा उत हाजिर थे वास्ते तैयार हैं साढ़ा प्लेटफॉर्म थोड़े वास्ते सरैकिस्तान का प्लेटफॉर्म साढ़े इन जमातों का खाजा साहब की जमात का मेरी जमात का हर टाइम हर लम्हे थोड़े वास्ते हाजिर है असा थोड़े हर ज्यादती जी थोड़े थे अपने सीने से रुके सो असा ये अपने प्यारे मुल्क का इमेज बड़ा अच्छा प्यारा और खुशबू वाला और फुला वागू बने सो ना कि दहशतगर्दी वाला बने सो असा आखिर में एक दफा वल मैं खाजे गुलाम फरीद साहब का शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने भुख हड़ताल का इहतमाम किया साथ सारे को सदा साडा अल्लाह जिहड़ा है ये मजलूमों की गाल की है खाजा साहब ने मजलूमों की गाल की है इन शाला अल्लाह सब कुछ सलामत रखे सब के बच्चों को सलामत रखे और सब खुश रावेन मैं डू नारे लवे सा वो ले सो सारे मेरे मिल के और पूरे भरपूर ले सो सरैकिस्तान 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज असा इन नाल ही ये प्रोग्राम का आगू जल्द बाकी लोग भी तशरीफ जन जो आ गए तो बह मजन आ गए तशरीफ रखो को इंसाफ लो जैन फार्मेसी और पूजा कुमारी को जैन फार्मेसी खून का हिसाब दो कातलों को गिरफ्तार किया जाए कातलों को मैं हूँ जनाब सराकी रहनुमा सही हाजी जमील वलियानी साहब को दरखास्त कर सर अपने ख्याल इजहार कर सर मैं हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद और पीर मेहदी शाह साहब साढ़े लिंगर अहमद नवाज सोमरो साहब आबिद चांद साहब जवेद चंदन साहब और तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। मैं जिमें गाल करें दे पे आबिद भाई मैं उन्हें दी भी ताइद करें ना और मैं सब तो पहले तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुखातब थी ते अपील क्या नहीं करना मुतालबा करना कि रात को 2 बजे अदालत लग सकते और पाकिस्तान तमाम कौम का तमाम मजहब का कैज़ आज़म मोहम्मद अली जना ने जरा कैज़ पाकिस्तान बनाया उन्होंने बराबर का हकूक लिता मालिक ने जैसे कैनात बनाई है और हूँ वाले तमाम कौमों को अपना अशरफ अल मखलूकात बनाए जैसे मालिक ने फर्क क्या नहीं किया
ਤਾਂ ਇੱਥਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸੈਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਂ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਕਤ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫੇਲ ਫੋਰ ਅਕਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਥੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਾਕਿਆ ਥੀਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਵੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਕਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਵੰਦੇ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਸਰਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਏ ਚਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ, ਚਾਂਗ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਸਨ। ਆਪੇ ਚਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੁਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਮੈਦੀਉਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕਾ ਜੋ ਸਰਾਇਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਯਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਲੀਅਤੋਂ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇਂ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜੈਨੀਫਰ ਕਾ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕਾ। ਯੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਸਿੰਧ ਮੇਂ, ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ ਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਇਲਾਕੋਂ ਮੇਂ ਹੋਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਰਿਸਰਚ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਓਂ ਕੋ ਜਬ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੇ ਯੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਿੰਧ ਮੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਏਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਐਸਾ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ ਇਵਾਨੋਂ ਸੇ, ਉਨ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਯੇ ਆਜ ਕੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਕੇ, ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਇਹਤਜਾਜ ਕੇ ਤਵੱਸਤ ਸੇ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਸੇ ਮੁਤਾਸਰ ਯੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਅੰਡਰ ਏਜ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਆਦਮੀ ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਤੇ। ਯੇ ਯੇ ਇੱਕ ਗਨੌਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਯੇ ਇੱਕ ਗਨੌਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇਂ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੀ ਅਕਲੀਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸਾਥ, ਰਿਆਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਹਰ ਦੌਰ ਮੇਂ ਇੰਤਹਾਈ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੀ ਅਕਲੀਅਤੋਂ ਨੇ ਜਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜ਼ੋਰੋਂ ਪਰ ਥੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਕਲੀਅਤੀ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਸਾਥ ਦੀਆ, ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਮੇਂ ਸਾਥ ਦੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੇ ਯੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੀ ਤਖਲੀਕ ਮੇਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੋਂ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਕਾ ਵੀ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੇ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਵਫਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਅਕਲੀਅਤੋਂ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਰਵਾ ਰੱਖਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕੀ ਬਸਤੀਆਂ ਜਲਾਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਲਾਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਯੇ ਆਮ ਸੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਕਭੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਯੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਲੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਤ ਇਸ ਜਾਂ ਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮੇਂ ਵੋ ਕਰਾਚੀ ਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋ 45 ਸਾਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੇ ਉਸਕਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਬ ਉਸਕੋ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਤੋ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਉਸੀ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਭੇਜ ਦੀਏ।
और ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये कोई ये पहला वाकया नहीं है, ये दो बच्चियों का वाकया नहीं है, ये तसलसल के साथ होता जा रहा है। जबकि इसमें जो अदारे तहफ्फुज देने वाले हैं वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। सिंध असेंबली में 2015 में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ, पेश किया गया और उसको खास टेक्निक के साथ उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी तरह से फिर जब कौमी असेंबली में 2020 में बिल माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का बिल पेश किया गया तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो बात यह है कि ये सिलसिला चल रहा है। मैं हैरान भी था इस बात पे कि अकलियतों के लिए तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये गुलाम फरीद कुरेजा साहब को क्या ख्याल आ गया कि वो माइनॉरिटी बच्चियों के लिए एहतजाज करें। मैं इस बात पे आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर आप जैसी शख्सियात हमारे साथ, जो हम तहरीकी लोग हैं, आप हमारे साथ जब खड़े हो जाएंगे तो यकीनन कोई ना कोई कानून साजी की जाएगी यहाँ। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। से हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब के सदारत च, जेदे सैयद नाजुल हसन शाह साहब चेयरमैन सराइकिस्तान जमहूरी पार्टी, हाजी मुहम्मद जमील बलियानी साहब कराची तो अपने तमाम दोस्तों नाल हैं, मलिक अख्तर इच्छा साहब और साडे साबका MPA आबिद चांद साहब। दोस्तों आज का जरा इजतमा है, आज का जरा एहतजाज है, ये एहतजाज है साढ़े डू। मैं इन्हों को मनोटरी नहीं आता, मैं अकलीत नहीं आता, डू पाकिस्तान के धियां का रेप किया गया, उन्होंने कतल किया गया। पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान का हर शहरी उनके बराबर के हकूक हैं। एक क्रिश्चन बच्ची जी 12 साल की है जैफसन, उनका रेप करके उन्हें मर्डर कर दिता गए। भाई पूजा कुमारी है जी 16 साल की बच्ची है, उनका रेप उनके वालदैन के सामने करके वो कतल कर दिता गए। एक साल दूध से थी गए लेकिन इनके बारे अज तक हुक्मराना ने कोई नोटिस नहीं किया। अगर लाहौर मोटरवे से एक लाहौर की बच्ची औरत के नाल रेप थी वे तो उन्हें कातिल गिरफ्तार थी वे ने। अगर कसूर एक बच्ची के नाल रेप थी वे को कतल कर दिता वे तो पूरी पंजाब की गवर्नमेंट, पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हल लेंदी है और उन्हें गिरफ्तार कर दिता देंगे। लेकिन सराकी खिते जुल्म बरबरीत जल्द थी रही है, इन हुक्मरानों को एक इंसान नजर नहीं आते। बच्ची पूजा कुमारी और जयप्रसन ये जो दो बच्चे हैं जिन्हों के नाल रेप किया गया, ज्यादती की मेरे को बार बार लफ्ज आते शर्म आती है कि वो सारे बच्चे हैं उन्होंने जुल्म किए गए। अच्छा उन तीन के पैरोकार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि बिना वजह कई इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, बिना वजह कई इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यह नहीं आख्या गया कि मुसलमान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, कई भी इंसान का कत्ल। और ये तो सारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को अपील करे ना, वजीर आजम पाकिस्तान को अपील करे ना, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को अपील करे ना, मैं पंजाब के वजीर आला को मरे दिन ये दो बच्चे नाल रेप और उन्हें बाद लोग कतल कर दिता गए। तो इतना बड़ा जुल्म है, साल थी गए अजम दे उनके वास्ते कोई नोटिस नहीं किया गया। सराइकिस्तान कौमी इतिहाद की क्यादत ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा और जितने दोस्त आज शामिल हैं ये हुकूमत पाकिस्तान को मुतालबा कर रहे हैं कि फेल फोर कादरों को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी वे। पिछले दिन परसों एक फैसला है कैरा यूनिवर्सिटी एक लड़के ने असा यो जो इंसाफ पाकिस्तान में मंगे हैं। पाकिस्तान जितने शहरी रहने वो मुस्लिम है, वो हिंदू है,
वह ईसाई है वह पाकिस्तान का शहरी है उन्हें वास्ते उहे राज हैं जेड़े साढ़े वास्ते हैं और नाइंसाफी ए जबर ए रवादारी असाई वो कबूल पहले गए सूँ और असा समझेंगे कि उतु का मुतलका पुलिस उसकी मुतलका पुलिस इस चीज की जिम्मेदार है कि उन्हें हम तक उन्हें कातलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। असा पुलिस के उसे भी सा मुतालबा है कि उन्होंने के खिलाफ जिन्होंने एफ आई आर कटन के बावजूद उन्हें को गिरफ्तार नहीं किया उन्हें पुलिस अफसरों को फैलफो बर्खास्त किया वे उन्होंने कोई हक कोई नहीं कि वह ईमान सदर बानन। मैं एक दफा बाद मुतालबा करेना कि इन्होंने बच्चे के कातलों को फैलफो गिरफ्तार किया वे और उन्होंने को ईमान सजा दी वे और उन्होंने फांसी से लटकाया वे।